शर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री भारत विकास परिषद, डॉक्टर एस एन हर्ष, श्री दीपचंद अरोड़ा जी, हेमंत दादित जी, रितेश अरोड़ा जी, घनश्याम जी, महेंद्र प्रकाश जी, उपस्थित मेरे भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरे लिए बहुत ही हर्ष का और गौरव का विषय है। अपने मन पर विराजित साथियों ने अपने विचारों में कुछ विचार उन्होंने आप सबके सामने रखे, उसी कड़ी में मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। भारत विकास परिषद जो एक नाम है, जब इसको अलग अलग शब्दों में अगर मैं देखूं तो भारत मीन्स हमारा देश, विकास उसका उत्थान के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए हम सभी हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जिस तत्परता के साथ, जिस कर्मठता के साथ ये परिषद अपना योगदान दे रही है वो नमन के योग्य है। मैं आप सभी को नमन करता हूं। भारत के उत्थान के लिए बहुत सारे अपने भारतीय अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी कोशिश करते हैं कि हम देश को आगे लेके जाएं। जरूरी नहीं है कि विज्ञान ही क्षेत्र आगे लेके जाएगा या हमारा डिफेंस सिस्टम आगे लेके जाएगा, लेकिन जो हमारी प्राचीन धरोहर है संस्कृति, जिसके बारे में हम शायद पश्चिम दौर के को देखते हुए उससे हम हटते जा रहे हैं, इस प्रयास को जगाने के लिए कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, जिस तरह का प्रयास भारत विकास परिषद कर रही है वो नमन के योग्य है। यहाँ पर जितने भी हमारे बच्चे को बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने माता पिता, अपने गुरुजन, उनका हमेशा आशीर्वाद अवश्य लें, सवेरे उनको जरूर नमन करें। हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे यही भगवान हैं, और उनके आशीर्वाद से अगर आप एक विश्वास रखेंगे तो मेरा मानना है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की उन्नति के लिए हर तरह की कामना करते हैं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक भी इसी तरह के कार्यक्रम जैसे ये विकास परिषद कर रही है। मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष व अपने दूसरे साथी आए थे। भारतीय स्टेट बैंक भी समाज के योगदान के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता रहा है। मेरा यहाँ करीब करीब 4 महीने का समय हुआ है, लेकिन एक ही मेरा मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो धरा है, बीकानेर की जो धरती है, इसमें अलग तरह की खुशबू है। लोग बहुत ही मेहनत के साथ न केवल अपने विचारों से बल्कि अपने कर्म से भी समाज को कुछ न कुछ देने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। हमने भारतीय स्टेट बैंक की ओर से एक स्कूल है, मुझे याद नहीं रहा, शायद चोपड़ा स्कूल था, उसके हमने 30 बच्चों को जो कि बहुत गरीब परिवार के थे उनको हमने यूनिफॉर्म्स दी। उन बच्चों को पेड़ लगाने का कार्यक्रम हमेशा रहा है। बैंक की तरफ से हमने जगह जगह के ऊपर पेड़ लगवाए हैं। जहां पर वाटर कूलर्स नहीं है वहां हमने वाटर कूलर्स का प्रयास किया है। बच्चों के स्कूलों में जहां नैपकिन की व्यवस्था हम बैंक की तरफ से करवा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके साथ बैंक हमेशा जुड़ने के लिए प्रयासरत रहेगा। मेरा निवेदन भारत विकास परिषद की से के सभी सदस्यों से भी है, जब भी कभी किसी भी तरह का उनको मौका लगे कि भारतीय स्टेट बैंक इसमें अपना योगदान कर सकता है, तो कृपया आप हमें अवगत कराएं और स्टेट बैंक हमेशा आपके साथ, आपका स्टेट बैंक को अपने साथ हमेशा खड़ा पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले कुमारी संतोष प्रजापत ने एक बहुत ही
लोक गीत प्रस्तुत किया। हम पश्चिमी दौर में अपने अपने जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संस्कृति है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के प्रयास सभी करेंगे, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तो ये जो हमें अनमोल धरोहर अपने बुजुर्गों से मिली है, शायद हम इसको रख पाएं। मेरा निवेदन भी ये है कि कृपया इस धरोहर को हमेशा आगे लेकर जाने की अपने प्रयास जो है हमेशा रखिए। राजस्थान की धरती, मेरा मानना है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जहां पर जो उसका हेरिटेज है, जो उसका संस्कृति है, शायद इस तरह की संस्कृति बाकी दूसरे प्रदेशों में नहीं मिलती। तो इसको हमने जीवंत रखना है और उसके लिए हम सभी को मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा और हम प्रयास करते रहेंगे। बहुत सारे साथी आज इस परिषद के साथ जुड़े हैं, मैं उनकी भावनाओं का भी आदर करता हूँ कि समाज सेवा के लिए वो भी आगे आए और देश के विकास में अपनी भूमिका जो है वो अवश्य अदा करें। मेरी श्रीमती जी को अभी पुस्तकें भेंट की गई थी और मेरा मानना कि ये एक अनमोल भेंट जिसको बोलते हैं वो है किताबें। इसमें अनमोल ज्ञान होता है और ये मेरा मानना है कि ये क्या कहते हैं इसको, ज्ञान जो है ये अपना सोने की तरह स्वर्णिम है और किताबों से हमें जो ज्ञान मिलता है वो अमूल्य होता है। तो अच्छी किताबें, मेरे बच्चे जितने भी यहाँ पर प्रस्तुत हैं, मेरे साथी जितने भी अच्छी किताबें पढ़ें, उनसे बहुत सारा ज्ञान मिलता है। हमारे मंच पर विराजित भी कुछ सदस्यों ने, कुछ महानुभावों ने भी बहुत सारी किताबें लिखी होंगी, तो कृपया अच्छी किताबें अवश्य पढ़ें। मैं एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आप सभी का नमन करता हूं। भारत विकास परिषद सतत रूप से भारतीय संस्कारों के उन्नयन एवं उन्हें अक्षुण रखने तथा सामाजिक समरसता को और संस्कृति को समृद्ध करने का कार्य कर रहा है। इस संस्था के प्रति आत्म और गर्वनिश्चित अनुभूति होती है। आज के भागदौड़ व्यस्त तथा प्रतियोगिता के युग में बच्चों में भारतीय मूल्यों की प्रतिस्थापना करना बहुत ही मूल्यवान कार्य है। इसी श्रृंखला में आज का यह आयोजन बच्चों, बड़ों और सभी के उत्साह एवं उल्लास का संचार करता है। इससे ये सभी भावी करंदा अपने आगामी जीवन के व्यवहार क्षेत्र में जब उतरेंगे तो इनमें एक गहराई और दृढ़ता के साथ जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को जूझने का भाव स्वतः स्फूर्त होगा। मैं भारत विकास परिषद संस्था के उत्तरोत्तर प्रगति तथा इन सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की